70,000 सहायक शिक्षिकाओं की भर्ती होने के बाद, चयन होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया गया था, जिसके बाद उनकी ट्रेनिंग की जा रही थी। आज ट्रेनिंग का समापन हुआ। यहाँ बीएसए कार्यालय से इन सभी शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त किया गया और विद्यालयों का आवंटन किया गया। सरकार की ओर से 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसमें अभी कुछ माह पूर्व सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया था और इस नियुक्ति पत्र के मिलने के बाद सभी सहायक शिक्षक शिक्षिकाओं की ट्रेनिंग बीएसए कार्यालय पर कराई जा रही थी। यहाँ बीएसए कार्यालय पर ट्रेनिंग पूरी कराने के बाद इन सभी सहायक शिक्षकों को बीएसए कार्यालय से कार्यमुक्त कर विद्यालय आवंटित किए गए और विद्यालय में ज्वाइनिंग कराई गई। यहाँ बीएसए कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में विद्यालय मिलने के बाद ज्वाइनिंग के लिए नियुक्ति पत्र लेने वाले शिक्षकों की भीड़ जमा दिखाई दी। अब विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक पूरी तरीके से तैयार हैं और उन्होंने अपनी खुशी किस तरीके से जाहिर की है, यह जरा आप भी सुनिए। जी हाँ, आई है क्या? आज हमें मैनपुरी बीएसए ऑफिस से कार्यमुक्त होकर हमें विद्यालय आवंटन के लिए ज्वाइनिंग मिला। कैसा लग रहा है आपको? हमें ज्वाइनिंग पाते बहुत अच्छा लगा।